बोल्ड भी हो गए कई लोग वहां पे अचानक से ही पैनिक कर गए कई रूल्स काम किए कई रूल्स काम नहीं किए कई चीज़ें आपको याद आई कई चीज़ें आपको याद नहीं आई बट ओवरऑल इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट डे एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन हैव बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मेकिंग इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू क्लियर इट इजली सो हम लोगों ने क्वेश्चन का बाइफर्केशन दिया है और कई सारा डिबेट्स भी इसके बाद चालू होता है कि यूपीएससी ने आउट uh, क्लास कर दिया लोगों को दे जस्ट चेंज द गेम और रूल ऑफ गेम्स बट ऐसा नहीं है दिस इज एक्चुअली द वर्ल्ड Human evolution जैसे जैसे हुआ है इन दिमिलर वे क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम इवोल्व करता है इवोल्वमेंट इज द ओनली थिंग दैट वील लेट द ब्यूटी ऑफ दैट थिंग टू बी अप्रिशिएटेड अगेन एंड अगेन अगर यूपीएससी मान लीजिए दो हजार सोलह में जिस प्रकार से इजी क्वेश्चन दिया था अगर सेम लेवल पे क्वेश्चन देते रहता है देते रहते देन इट वुड है

ऐसा पहले जो हो जाता था कि हल्का सा भी याद आ गया तो आंसर सही हो जाएगा अब वो हल्का बहुत भारी पड़ जा रहा है एग्जाम में बट ऐसा भी नहीं हुआ है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया या सब कुछ गलत होने लगा अचानक से ही सारे नियम गेम के बदल गए ऐसा कुछ नहीं हुआ क्वेश्चन जैसे जैसे इवॉल्व करते हैं वैसे वैसे मेथोडोलॉजी नॉलेज फैक्ट बेस फैक्ट हमारा पढ़ने का तरीका हमारा क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका हमारे रूल्स भी इवॉल्व करते हैं जो हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे कि यस सम ऑफ द रूल्स और जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे या हम लोगों ने पढ़ाए थे वो थोड़े से इस बार नहीं काम आए डायरेक्टली हो सकता है कि जैसे आई में विराट कोहली द किंग का कभी ऑफ सीजन होता है या एम का कभी एक आध ऑफ सीजन हुआ चेन्नई का इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही ऑफ सीजन होता है सो सम ऑफ द रूल्स डिड नॉट वर्क बट देम वर्क एक्सीलेंटली वेल एंड दिस इज बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस ऑफ द पेपर कि उसमें से अगर हम पेपर में क्वेश्चन के सौ क्वेश्चन को छाटे तो ये है कि कुछ सवाल वेरी इजी इजी मीडियम डिफिकल्ट अनसोल्वेबल लेवल के इस तरह से हम लोग छाट सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने आपको बता दिया है अब एग्जाम हॉल में जो एनालिसिस हम लोग इस तरह से करते हैं अगर पेपर वन का सिर्फ स्टैंडरलोन एनालिसिस किया जाए तो वेरी इजी वैसे सवाल होते हैं जिसमें अगर आपको सही होने के चांसेज वन है इजी में पॉइंट एट है मतलब एट्टी परसेंट मीडियम में सिक्सटी परसेंट डिफिकल्ट में फोर्टी परसेंट अनसोल्वेबल में ट्वेंटी परसेंट है और आपको दिखाया भी गया कि मार्क्स अगर यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या मार्क्स मिलेंगे गलत होने पर क्या मार्क्स कटता है तो अगर सिर्फ स्टैंड लोन पेपर वन आया होता पेपर टू नहीं हुआ होता तो हो सकता है जनरल का ये कट ऑफ गया होता परंतु पेपर टू सी सेट भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है लास्ट वाले में आप ये भी देखिए कि अनसोल्वेबल के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं इनफैक्ट अनसोल्वेबल के अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो इस बार आपके माइनस टू मार्क्स आते हैं और आए हैं लोगों के लोगों ने अनसोल्वेबल काफी अटेम्प्ट किया है डिफिकल्ट मीडियम इजी वेरी इजी से तो नंबर निकला भी है लेकिन बहुत जगह से गलत हुआ है एंड वेरी जी में बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल हैं जो रूप बदल के आए थे ऑल थ्री पेयर्स लेकिन जो भी बच्चा उसको जाएगा तो तुरंत कैच कर लेगा कि अच्छा वही सवाल है जो घुमा फिरा के बस उसका रीपैकेजिंग कर दिया गया है ऑल थ्री पेयर्स कर दिया गया है कहीं ऑप्शन डी की जगह सी आ रहा है क्योंकि ऑल थ्री पेयर्स वहां पे है सो तो वो चीज का ध्यान रखना था पेपर वन में एक और चीज नोट किया गया है जो आगे के ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट टू इज करेक्ट एंड टू जस्टिफाइज ए तो यूपीएससी ने आपको हिंट दे दिया है लास्ट ईयर जो ये वाला था टू पेयर थ्री पेयर इस बार पूरा उसका बाढ़ आ गया इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको रूल तो अब आप, आप कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं। जब सौ में से सत्तर क्वेश्चन एक ही जैसा है पेपर में तो वो अब रूल तो होता है दस क्वेश्चन बारह क्वेश्चन निकालने के लिए ये तो फिर आपको डेप्थ में लेके जा रहा है कि अब आप उन तीन क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको पढ़ के उसमें समझिए कि रूल क्या है आप तीन में से डायरेक्टली दो छाट दे और एक सही हो अब वो वाला जमाना धीरे धीरे यूपीएससी उसको इवॉल्व करना चाह रहा है उसका कहना है कि नहीं भाई तुमने तीन में एक बहुत निकाल लिया अब तुम तीनों स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो हम सारा ही क्वेश्चन वैसा कर देंगे तो दिस इज इस गुड इसी से तो एजुकेशन इवॉल्व होता है हम लोग भी सीखते हैं और होना भी चाहिए और हुआ भी है जो हम लोगों ने कल ब्रॉडली एनालिटिकल एंड एक्यूरेट रूल्स बताया था प्रूव्ड प्रूवन रूल्स उसमें से बहुत सारा जैसे सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट सब्सटिक्यूट स्टेटमेंट वन ऑफ द एटलीस्ट दीज वर्ड्स आर वेयर करेक्ट इसका काफी असर आया विजयनगर या क्वेश्चन में ही आंसर होता है जैसे कांगो उसके अगले ही वाले क्वेश्चन में कॉन्गो आंसर के रूप में क्वेश्चन के रूप में उसके ऊपर आंसर के रूप में लॉट ऑफ थिंग्स दैट डायरेक्टली केम एंड विल डिस्कस इन डिटेल लॉट ऑफ देयर वेयर हिट्स एंड लॉट ऑफ देर वेयर मिसेस नाउ सैट का भी एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है जो कि पहले एक इम्पैक्ट प्लेयर नहीं था या बहुत कम लोगों के लिए था हिंदी भाषी लोगों के लिए जो कभी डिफिकल्ट हुआ करता था मैथ्स बनाना या नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए वो अब सबके लिए कॉमन डिफिकल्टी है तो जहां जब हम लोग देते थे इन 15, 16 द डिफिकल्टी लेवल टू बी लाइक 0.5 इट हैज नाउ इंक्रीज टू 0.93 नाइन थ्री कम्पेयर टू लास्ट ईयर ऑल्सो इट इज 2.19 पॉइंट मोर देन लास्ट ईयर सीट की अगर हम लोग बात करें तो इस बार सीट थोड़ा ज्यादा है लास्ट ईयर से विच विल इंश्योर कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा जो कि आ, आपके सी साइड के इम्पैक्ट को थोड़ा नलीफाई करेगा तो फाइनली जब हम लोग कट ऑफ निकालते हैं तो ये कट ऑफ है इस बार का जो हम लोगों को लगता है लास्ट ईयर ऑल्सो वी गेव एंड 99.672 नाइन पॉइंट सेवन टू परसेंट के साथ हम लोग लास्ट फाइव ईयर से कट ऑफ दे रहे हैं और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड टू आवर ओन पेरेंट्स टू एवरी वन इन द टीम जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये कट ऑफ एल्गोरिदम निकालना है और इसको निरंतर हर साल एग्जाम डे पे ही निकालना बहुत बड़ा चुनौती होता है बहुत बड़ा चैलेंज होता है और सही निकालना वी डोंट बिलीव इन अननेसेसरिली मिसगिंग एनी द स्टूडेंट्स तो वी आर क्वाइट होपफुल इस बार भी जो हम लोगों ने कट ऑफ निकाला है बेस्ड ऑन आवर एनालिटिकल थिंकिंग थाट प्रोसेस क्वेश्चन को कम से कम दस बार एनालाइज करके पोल्स लेके ओपिनियंस लेके अंडरस्टैंड करके उन लोगों का जिन्होंने लास्ट ईयर निकाला था इस ईयर नहीं निकाला दोनों एक्सट्रीम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कर्व को बाइनोमियल प्लॉटिंग करके दिस इज द फाइनल फिगर्स दैट वी हैव राइट नाउ नोट नोटवर्दी पॉइंट इज इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन एटी फाइव एनी वेज यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग जनरल कैटेगरी सो इससे अगर पाँच पाँच नंबर हर कैटेगरी के लोगों को आज ज़्यादा आ रहा है तो उनको प्रिपेयर करना चाहिए एक और बात है कि हम लोग कैटेगरी कट ऑफ भी देते हैं क्या होता है कि कई इंस्टीट्यूट जनरल कट ऑफ दे देते हैं एंड कैटोगी कट ऑफ को निकालने में उतना ध्यान नहीं देते वी बींग वी बिलीव इन मेकिंग श्योर कि हर तरह के जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको सब तरह का नॉलेज बेस हो कट ऑफ से सो जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि अगर इससे ऊपर मार्क्स है तो डू प्रिपेयर वेल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स बिकॉज नाउ इट इज इफ यू आर गेटिंग प्रिलिम्स क्लियर ना इट इज अ वेरी बिग फीट मेन्स एंड इंटरव्यू में तो फिर भी द बॉल इज इन योर कोर्ट कि अब किस तरह से उसको अच्छे से चौका लगाते हैं सिक्स लगाते हैं एक रन लेते हैं दो रन लेते हैं प्रीलिम्स में यू डोंट नो इवन दैट यू आर प्लेइंग क्रिकेट कि फुटबॉल खेलेंगे कि टेनिस या बॉल खेलने वाले हैं सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डोंट वेस्ट टाइम नाउ अडे सो द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग सो इट इज नॉट नाउ जस्ट बींग सेड फॉर द सेक ऑफ बींग सेड क्या आप तुरंत शुरू हो जाइए आपको आंसर्स लिखने चाहिए नाउ किस टेस्ट सीरीज का लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए दीज आर सेकेंडरी क्वेश्चन प्राइमरी क्वेश्चन इसके आप जो पढ़ते हैं उसको अभी आप रिलिम्स से ताज़ा हैं जो फैक्ट्स हैं डेटा है उसको एक जगह कोलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगा था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से उसको एक वीक में उतार लेना चाहिए पेपर में दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइडियल वे ऑफ स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस एंड जस्ट टू अनाउंस लास्ट ईयर वी गाइडेड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर एंड We are more than um, blessed and thankful to all of them for their hard work that they put in, and um, they have got selected. And it fills our heart with a lot of joy and uh, that true.